ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, एक आदमी ने सारा माफ कर दिया। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा, सारा माफ कर दिया जी सारा। 10,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से, इसलिए महंगाई हो रही। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोर चकारी सारी। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है, एक कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है, आपका पंखा चलता है पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स, इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पर भी लग जाएगा टैक्स। कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता, तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में।